वेलकम टू AIR न्यूज़। मेहनत रंग लाती है मेहनत करने के बाद। जिस तरह कल माझा महाराष्ट्र और AIR न्यूज़ ने फातिमा गर्ल्स स्कूल के अंदर चलने वाले मराठवाड़ा अध्यापक महाविद्यालय का जो जिस तरह से बच्चों को BEd के अंदर एडमिशन नहीं देने के लिए कई लड़कों ने नाराज़गी का इजहार किया था और कई लड़कियों ने भी ये नाराज़गी जताई थी कि इन्हें डोनेशन ज़्यादा मांगा जा रहा है और जो डोनेशन ज़्यादा दे रहे हैं उनका एडमिशन किया जा रहा है। लेकिन ये बात को कल जिलाधिकारी प्रशासन तमाम अधिकारियों के जहन में लाने के बाद आज यहाँ पर MIM के भी जो लोग हैं ये भी आए हैं और इन्होंने भी जो है तो इस पर मेहनत की है। जिस तरह मेहनत करने के बाद वो लोगों के आज एडमिशन कंप्लीट हुए हैं और वो उन स्टूडेंट ने एक साल खराब होने से बचने के बाद अपनी सुकून की सांस ली है। देखते हैं हमारे साथ मिर्जा मेहनत बेगर क्या वाकया हुआ था और आज जो आने के बाद क्या आश्वासन दिया गया तुमको। DEd कॉलेज के एडमिशन्स को लेकर बहुत सारी शिकायतें महसूल हो रही थी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को। कुछ नांदेड़ के न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए भी ये इत्तेलात हमको मिली। जब ये इत्तेलात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नांदेड़ शहर अध्यक्ष जनाब साबिर चाऊ साहब के पास आई तो उन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक मीटिंग बुलाकर इस पर अपने तबादला ख्याल किया। उसके बाद आज सुबह हम लोग फातिमा गर्ल्स स्कूल में मौजूद मराठवाड़ा अध्यापक महाविद्यालय के जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात की, जिसमें हमने सुफियान सर और MZ सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात की। हमने तमाम तर वाक़े की तफसीलात ली, जिसमें प्रशासन जो कॉलेज का जो प्रशासक है उनका ये कहना है कि बार बार एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से रूल चेंज होने की वजह से उनको कुछ दिक्कतों का कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स का मामला है, स्टूडेंट्स इस बात को लेकर नाराज़ है कि गोया जहाँ पर इनका एप्लीकेशन जहाँ पर फ्रीज हो चुका था, जहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन देकर काफ़ी अरसा हो गया था, इसके बावजूद भी उनको कॉलेज की तरफ से खातिरखा इनको आश्वासन या भरोसा नहीं दिलाया जा रहा था। लेकिन अभी जैसा कि आप देखें कि बच्चों उनको पैसों की डिमांड कर रहे थे, कल एडमिशन नहीं लिया, फिर आज आप लोग आए उसके बाद एडमिशन हुआ, ऐसी क्या घटना है और इस तरह के वाक़ात नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर हम जब यहाँ आए सुबह में तो सुफियान सर से हमारी बात हुई, जो मैडम ने ये बच्चों को सही तरीके से जो उनको बताना था वो बात नहीं बताते हुए, जबकि इनका 26 नवंबर को उनका एडमिशन का ये हो गया था, पर कुछ पेपरों की वजह से और इनका फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीन इसके अंदर उनकी नियुक्ति होती तो उसके अंदर इनकी नियुक्ति हो वाली थी, पर इनको ऐसा लग रहा था कि वे प्रशासन ने जो फीस रखी है उसके अलावा इन्होंने फीस मांग रहे हैं। तो हमको यह बताया है कि भाई स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो जब आएंगे उनके अकाउंट में देंगे, अब जो फीस बताई वाली है मैडम ने उनको वो फीस बताया गया सर। बच्चों का आरोप था कि बच्चों ने जिस तरह जो ज़्यादा डोनेशन दे रहे उन बच्चों को सेलेक्ट किया गया था और कई 8 स्टूडेंट थे जो हमारे चैनल पर और माझा महाराष्ट्र पर भी उन्होंने पूरी बाइट रखी, लेकिन वो लोगों को आप आने के बाद आज जिस तरह कल इनकार कर दिया गया मुख्याध्यापक के प्रिंसिपल की जानिब से इनकार करने के बाद आज फिर एडमिशन दिया, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इस बात का खुलासा देने के बाद हमने बताया वो मेरिट लिस्ट पे आपने चेक किए क्या, तो नहीं होते हुए फिर ये 8 लोगों के नामा लिए हमारे पास से और उनका एडमिशन तुरंत करके हमको ये आश्वासन के अलावा वो बच्चों का एक एडमिशन हुआ और उनके पेरेंट्स हमारी गुलपोशी करना चाहते थे, हम बोले नहीं ये चीज़ में गुलपोशी कोई मायने नहीं रखती, ये खिदमत है, हम खिदमत के लिए आपके लिए आए और इदारा हमारा ही है, हम यकीन ये इदारे से जुड़े आले हैं, MZ सिद्दीकी हो सुफियान सिद्दीकी हो, यहाँ के जो भी मसले मसाइल है अवाम को जब तकलीफ़ होती है तो अवाम प्रशासकीय अलावा लीडर के पास पहले पहुँचती है जो काम कर सकते हैं, तो हम उनकी आवाज़ बनकर आके वो काम उनसे करा के लिए उनको ये आश्वासन उन्होंने ये आश्वासन दिए कि ये बच्चों को किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं होंगी। बिल्कुल ये बात मैडम ने उनको बोल दिया गया था तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं होगा। हम जब आने के बाद में वो बाय प्रोसीजर पूरा एडमिशन उन्होंने कराए तक हमको 2 घंटे बिठा के वो लोगों को रिसीप देकर हमको यहाँ से भिजाया गया। हम वो तहे समिति हमने जो सोसाइटी है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल बता रहे थे वो मैडम भी है कि नहीं तबीयत ख़राब होने के बावजूद आज आकर वो पूरे बच्चों का एडमिशन करके लिए और जितने भी है लोग अभी उनका एडमिशन चालू है और आने वाले दिनों में किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होंगी तो इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी आवाज़ उठाएंगी इसके बारे में। ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह ये बच्चों को
कल एडमिशन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज आप लोग आए और ऐसा आने के बाद हो रहा, तो ये गलत हो रहा ना सरासर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ख़याम ही इसलिए अमल में आया है कि यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो, वहाँ पर मजलिस पहुँचे, अपनी नुमाइंदगी करें। वही काम हमने किया। इस तरह का वाक़या अगर कहीं दूसरे भी कॉलेजेस पे होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके लिए पाबंद है कि वो वहाँ पहुँचकर अब तुलबा और औलिया तुलबा की मदद करें। नांदेड़ के अंदर ऐसे कई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर तालीम को लेकर ये लोगों को परेशानियाँ पेश आ रही, वैसे उसमें आपने आगे आना चाहिए। और ऐसे लोगों का जो साल बर्बाद हो रहा था, वो हमने भी कल बड़ी हिम्मत के साथ और जो सच बताई है उस पर बताने से लोगों में, प्रशासन में ये बात बहुत अच्छे तरीके से उजागर हो चुकी थी। उजागर होने के बाद कुछ लोग एक्शन में आए हैं। अगर से ऐसा नांदेड़ की पूरी मीडिया करती है और कई राजकीय नेता जो अपने आप को समाज सेवा के नाम से भी कई सामाजिक लोग हैं, वो भी आगे आना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होने से बच सके। तो आज पूरा एडमिशन होगा ये लड़कों का? जी हाँ, पूरे लोगों का एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बावजूद उन्होंने हमको लाकर पौतियाँ बताए। हमने उनसे दो तीन चीज़ की मांग की है कि यहाँ पे जिस तरीके से एडमिशन होता, एक तो एडमिशन की पौती देना चाहिए और एक इन्हें एक ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए, आपके अकाउंट के पास, आपका स्टाफ के पास, एक इन्हें जो है तरीका, वो तरीके के लिए एक CCTV फुटेज रखना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं, आप जिस तरीके से कल जो बच्चों के साथ में हुआ, वो आने वाले उसमें कोई बात इस तरीके की नहीं होने जाएंगी, ये हमको आश्वासन दिया है। ये थे MIM के शहर और ज़िला अध्यक्ष, जिसने आज यहाँ पर आकर सुबह से तमाम बातचीत करने के बाद उन बच्चों के मसलों का हल निकला है। लेकिन हमें क्या लगता है कि जिस तरह यहाँ का जो प्रिंसिपल है, जिस तरह बच्चों के साथ उन्होंने लैंग्वेज यूज़ किए थे, वो सरासर गलत है। स्टूडेंट के साथ इस तरह की लैंग्वेज और उनको जिस तरह का यहाँ का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट भी सुधार आना चाहिए। क्यों कि अगर से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो कॉलेज का नाम ख़राब नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और जो काफ़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचते हैं, इनके साथ तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ का जो यहाँ का स्टाफ जो है, जानबूझ के इन्हें सताना भी नहीं चाहिए। और आज जिस तरह हमने देखा है, इन 8 बच्चों का भी कल न्यूज़ लगाने के बाद इन बच्चों का एडमिशन हुआ है और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लिए हैं, जिस तरह इन्होंने कल बाइट भी दी थी, सर आज आपका एडमिशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं? का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। एडमिशन हो गया है, साबिर चौश के मतलब कारण आने की वजह से ये सब चीज़ें जल्द से जल्द हो गई है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा दूसरे स्टूडेंट के साथ नहीं होना चाहिए जिस तरह तुम्हारे साथ हुआ। कल जो वाक़ात हुआ था, आज उसकी कम्प्लीट हम ये कर रहे हैं और इसके ज़रिए और क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर से ये एक साल अगर से चला जाता है तो बच्चों को वापस से फिर वही क्लियर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम की तैयारी करना, फिर एक साल वेस्ट हो जाता है उनकी पढ़ाई में। और तकरीबन एक साल वेस्ट होना बोले तो एजुकेशन में बहुत बड़ा ये आता है उससे। अभी टोटल कितने लड़कों का जो 8 थे, 8 में से अभी कितने के फॉर्म कम्प्लीट है? अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 जनों का एडमिशन हो रहा है और अभी कुछ लड़कियाँ बाकी है, परेशान है, उनका भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जिस तरह ये स्टूडेंट है, कल इन्हों भी आए थे, इनका भी एडमिशन लेने से इनकार कर दिया जा रहा था, लेकिन आज इन तमाम लोगों के एडमिशन हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो बीएड में अभी एडमिशन लिया है, कल इनका एडमिशन लेने से इनकार कर दिया था। इन्होंने बताया था कि मैं एक साल होटल में काम करने के बाद मुझे ज़्यादा फीस की डिमांड की जा रही थी, उसके बाद आज इनके साथ क्या वाकया हुआ और आज एडमिशन हो गया है और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे। आपका एडमिशन हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एडमिशन हो गया, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी बात हुई जो कल न्यूज़ के थ्रू ये काम हुआ गया। और ये देखिए मेरा आईडी कार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा बीएड के अंदर एडमिशन मिल चुका है हमको। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे भाई ने हमको साथ दिया है, आर वाले न्यूज़ वाले और दीगर न्यूज़ वाले भाई ने। इसी तरह ये गरीबों की हमदर्दी करते रहें और इस तरह ये मदद करते रहें ताकि लोग इनकी हिमायत करें आगे चल। अभी आपका एडमिशन होगा, कल काफ़ी नाराज थे, आज काफ़ी खुश लग रहे, अब स्टडी पे आगे क्या ध्यान देंगे और दीगर लोगों के भी अभी एडमिशन बाकी है, उनके लिए भी क्या पैगाम देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से स्टडी करना पड़ेगा और दीगर लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कुछ आगे चल के कुछ कर सके। अगर अपने से कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो मेहनत करे और इस जो भी कॉलेज के अंदर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर कोई ज़्यादा डिमांड करता है तो बिल्कुल आप किसी AR वाले न्यूज़ भाई और दीगर न्यूज़ वालों से बिल्कुल रब्ता कायम कर सकते हैं। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे
बीएड के अंदर एडमिशन मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ।